बहादुरपुर गांव के निकट क्रेन से दबकर हुई मजदूर की मौत। पाथरौल थाना अंतर्गत बहादुरपुर गांव के निकट मधुपुर सड़क पथ पर क्रेन की चपेट में आने से सारठ थाना क्षेत्र के पारस बनी गांव निवासी 30 वर्षीय मजदूर पीताम्बर पंडित की मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। चालक ने पुलिस को बताया कि वह एलएनटी कंपनी के काम से क्रेन लेकर मार्गो मुंडा के कानो गांव पावर सब स्टेशन जा रहा था। जब वह पाथरौल पहुंचा तो कंपनी के संवेदक के कहने पर पीताम्बर पंडित को पाथरौल चौक पर अपने वाहन पर चढ़ा लिया। बहादुर गांव में एक दुकान के समीप क्रेन रोका गया। यहां पीताम्बर क्रेन से उतरकर कानो जाने के लिए रास्ता पूछने के लिए एक दुकानदार के पास गया। वहां से वापस गाड़ी में चढ़ने वाला ही था कि चालक क्रेन को स्टार्ट कर आगे बढ़ाने लगा। इसी बीच क्रेन पर चढ़ने के दौरान वह फिसल गया। कुछ दूर तक क्रेन जाने के बाद चालक को मालूम हुआ कि पीताम्बर गाड़ी के नीचे आ गया है। घटना की सूचना पर ग्रामीण जमा हो गए। पाथरौल पुलिस भी पहुंच गई। पीताम्बर को अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अशोक चौबे ने बताया कि घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। मनीष 11 बजे का अनुमंडल अस्पताल में लाया गया जो पहले से ही मृत था। यहां देख करके उसको सर्टिफाई कर दिया गया कि रास्ते में आने के क्रम में ही या फिर पहले ही वो एक्सपायर कर चुका। कहां से लाया गया? ये लोग बहादुरपुर से लाए थे। नाम पीताम्बर क्या करते थे ये? कुछ ऐसा मजदूर थे कुछ काम चल रहा था। घटना मैंने छत से गिरा या छत से नहीं, कुछ गाड़ी से उसी में से टकरा करके दाग तो लग रहा है, वो लग रहा है पीठ में, उसी से ये हुआ है।